नमस्कार दोस्तों, आज हम आए द्वारका में रोज अपार्टमेंट में। यहाँ से लोगों से मिलते हैं, अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या परेशानी है और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरीश कुमार नाम है। हरीश जी, आप यहाँ रोज अपार्टमेंट में रहते हो, यहाँ पे क्या क्या परेशानी आप लोगों के सामने आती है? यहाँ पर सबसे पहले तो बिल्डिंग की है। बिल्डिंग, ये चारों तरफ बिल्डिंग जो ऊपर से है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कई बार यहाँ ऊपर से ईंटें बदरपुर गिर चुका है। चलो कोई हादसा अभी तक भगवान की दया तो नहीं हुआ है। दूसरा, रोड की हालत बिल्कुल ख़राब है। मेरे ख्याल में यहाँ 7-8 साल हो गए यहाँ पर कोई भी नहीं तो रोड की। दूसरा, पार्क का है, पार्क का बिल्कुल नहीं तो चारदीवारी है, नहीं कोई पेड़ का है, नहीं कोई घास का है। कई बार नीतिका शर्मा के पास भी गए, हमारी जो काउंसलर है यहाँ की, उसने यही आश्वासन दिया है कभी मार्च में कभी अप्रैल में ये काम चालू हो जाएगा। हमारे साथ में पीछे एक दोनों तीनों चारों सोसाइटी हैं यहाँ, उनका एक पार्क है, उस पार्क का भी सबसे बुरा हाल है। नहीं तो उसमें कोई लाइट की सुविधा, कई बार जाते हैं लाइट 2 दिन चसती, 2 दिन के बाद में फिर ख़राब हो जाती है। नहीं उसमें पानी की सुविधा, किसी चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं। मेरे ख्याल में द्वारका में सबसे ख़राब जो हालत है वह अपनी रोज़ अपार्टमेंट की। सर आप यहाँ रोज़ अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने कुछ बताया हमें कि भाई जैसे रोड है यहाँ पे, जो बिल्डिंग है वो उसकी जर्जर हालत हो रही, तो और क्या परेशानी है? जैसे यहाँ पे RWB होगा, वो कुछ कार्रवाई करता है इसके अंदर या नहीं? नहीं, RWA की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। और जो भी DDA वाले ये दीवार वगैरह तोड़ के चले गए, उसके बाद भी कोई उनकी तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं है और कोई रिपेयरिंग नहीं की गई दोबारा। उसके बाद सारी रोड्स ख़राब हैं, पानी की हालत सब जगह, पाइप वगैरह की हालत बहुत ख़राब है। तो आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही है आपके अपार्टमेंट? देखो, मैंने तो अभी 11 फरवरी को शिफ्ट करा है, लेकिन जो मेजर मैंने समस्या देखी, एक तो रोड की है, दूसरा प्रॉपरली लाइटिंग नहीं है, तीसरा यहाँ पर एसोसिएशन अभी तक मुझे कोई ऐसा काम करते नज़र नहीं आ रही है कि बहुत एक्टिव है, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें ही ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा हो रही है। और आपका कोई डस्टबिन नहीं है पूरी सोसाइटी में, कूड़े वाला भी रोज़ नहीं आता है, कल नहीं आया। जैसे डस्टबिन, कम से कम इतना आप पैसा लेते हो सोसाइटी का, तो कम से कम ये चीज़ें तो सोसाइटी अपने आप ही रखवा सकती है। तो बेसिक जी। अच्छा अंकल जी, जैसे यहाँ RW है, उनको आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की भाई ऐसे ऐसे यहाँ समस्या आ रही है आपके अपार्टमेंट के अंदर? कंप्लेंट कर लीजिए। देखो जी, कंप्लेंट कई बार कर चुके जी, कंप्लेंट का मतलब कोई समाधान निकले जब तो ये कंप्लेंट का कोई औचित्य रहता है। रही पार्किंग की समस्या, तो यहाँ बाहर की गाड़ियाँ और कोई गाड़ियों पर प्रॉपर मतलब जैसे स्टिकर लगते हैं वो नहीं, स्ट्रीट डॉग है जो उनको जैसे DDA में कई बार, या वो जो MCD वाले होते हैं उनको बोला, तो कुत्तों की समस्या तो ज़्यादा है और बच्चे अनसेफ हैं। रही दूसरी बात कि एसोसिएशन का 4 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पे, और इल्लीगल तरीके से वो पैसा उगाते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं देते वो, और जब कोई उनसे हिसाब मांगता है तो मारपीट करे और अपने औरतों को आगे करके ना करप्शन के चार्ज में फंसा देंगे जी, ये कर देंगे, इस तरीके का उनका बिहेव है। और मतलब जैसे शाम होते ही भाई यहाँ पे बाहर की तरफ कोई पुलिस का वो नहीं है कि भाई गश्त लगती है, जैसे शराब के लड़के गाड़ियों में शराब पीते हैं। MCD की जो झाड़ू वाली आती है, झाड़ू वालियों की डेली की ड्यूटी है। हमारी जो बाहर की रोड है ना, तो पूरी द्वारका में जो क्या बोलते हैं इसको, फुटपाथ या जहाँ पे जो गार्डनिंग का काम करते हैं सर्विस लाइन में, इस पर कभी झाड़ू नहीं लगती जी। और एसोसिएशन की तरफ से तो मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे निवासी गण हैं उन्होंने कई बार कोशिश करी, लेकिन उसका कोई ठोस समाधान हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, आप लोगों ने DDA में कंप्लेंट की, जैसे ये बिल्डिंग की जज्जर हालत हो रही, RW तो आप कह रहे कि वो तो कोई सुनवाई नहीं करते, तो DDA में भी आपने कोई एप्लीकेशन ऐसी लगाई? DDA में हमने कोई पर्सनली तो एक बार, इन्होंने RW के साथ ही गए थे, हम लगा के आए थे, उन्होंने 1-2 ब्लॉक को ठीक भी किया, उसके बाद में कोई हमारे पास कोई उसका अपडेट नहीं है और कोई फॉलोअप नहीं है उसका। ठीक है, आप भी रोज अपार्टमेंट में रहते हो, तो यहाँ पे क्या समस्या आप लोगों के सामने आती है? जैसे जो बच्चे हैं सुबह शाम घूमने आते हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो? सर सिक्योरिटी तो बहुत बेकार है यहाँ की, जिस हिसाब से RWA वाले अपनी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, ये करते हैं, वो कर, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। दूसरी बात ये कि बच्चे अनसेफ हैं यहाँ पर, लेडीज़ें अनसेफ हैं,
यहाँ पे दारू पी के कोई भी घुस जाता है, RWA वालों का कोई मतलब ही नहीं है, गार्ड किसी को कोई रोकता नहीं है, कुछ नहीं करता है। और सफाई के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो आप खुद देखिए, आप कैमरा इधर उधर करके देखिए क्या सफाई है क्या नहीं है। हम लोगों ने पर्सनली बहुत सारी सफाइयाँ की, उसके वो हमारे साथ भी नहीं खड़े हुए उस चीज़ में। ये हमारे भाई साहब हैं यादव जी, इन्होंने सोसाइटी को सुधारने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया, बट जब तक RWA हमारे साथ नहीं होगी तो हम भी क्या कर सकते हैं। सर आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 10 साल से। ओके सर, जैसे आप 10 साल से यहाँ पे रह रहे, तो यहाँ पे आपके अपार्टमेंट में क्या क्या परेशानी आप लोगों के साथ आती है? बच्चे भी है, फैमिली भी है, तो क्या परेशानी यहाँ पे? आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर जो है ना, बेसिकली यहाँ की जो एसोसिएशन है वो काम नहीं करती, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एसोसिएशन का पार्ट रहा हूँ। इलेक्शंस और कुछ भी चीज फेयर नहीं है। एक 2013 में दैट टाइम आई वाज सेक्रेटरी, मैंने ही इलेक्शन कराए थे यहाँ पे। उसके बाद किसी ने इलेक्शन कराने की यहाँ पर हिम्मत नहीं करी, ना किसी अंदर कोई है कुछ, मतलब कोई भी करता नहीं, लीगली कोई चलना चाहता नहीं है। सभी लोग अब जो भी इस पोस्ट को इस टाइम होल्ड करके बैठे हैं वो सोच के बैठे हैं कि हमारी है, पैसा भी कहाँ यूज़ हो रहा है, कलेक्शन कहाँ जा रही है, कोई जवाब नहीं है। कौन प्रेजिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन किसका नंबर कहाँ पर लिखा है, क्या किससे फॉलो करना है, कहाँ पे करना है। आज भी अगर आप उन लोगों को कॉल करेंगे तो दे लीज बॉदर, वो लोग कभी नीचे नहीं आएंगे, कभी किसी से बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे तो वो आपको उल्टा ही आपको बोलेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आप संभाल लो। आप ऐसे थोड़ा ना होता, अगर आपको सीट होल्ड कर, 2 साल का एक नॉर्म्स है उसको भी ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। अभी आप किसी के घर पर जाइए तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि किसके हाथ में क्या किया रहे, क्या किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कौन सिक्योरिटी देखेगा, कौन गार्ड को पैसे देगा, कुछ नहीं पता। इससे पहले एक पांडे नाम का शख्स यहाँ पे काम कर रहा था, उसने पूरी सोसाइटी को चला रखा था। फिर हमारे यहाँ कुछ लोग नए आए, अभी ये भाई साहब आए, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया। मैं तो मानता हूँ इनकी हिम्मत, इन्होंने दोबारा एक इनिशिएटिव लिया, बिकॉज हम तो अकेले होने के कारण हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है यार, एक आदमी नहीं चला पाएगा, हाँ ठीक है, रेवोल्यूशन लाने के लिए एक आदमी भी काफ़ी होता है, पर अब जब सपोर्ट मिलती है तो आदमी काम करता है। यहाँ पर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, DDA को सारे लेटर्स यहाँ से जाने जरूरी हैं। तीसरी बात, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी, जितना भी पैसा आता है वो बैंक में, आजकल तो इतने सारे मोड हैं, ये लोग कैश में बिलीव करते हैं, जबकि बाकी सोसाइटी सारी पेटीएम या अदर मोड अकाउंट्स में चेक ले रही हैं। आप साल का लो ना यार, हम लोगों ने सजेशन दिया था, आप 12 महीने की पेमेंट लो, कौन सा नहीं दे पाएगा? 250 रुपये के हिसाब से 12 महीने की 3000 रुपये बनते हैं, कौन नहीं देना चाहेगा? जबकि 3000 रुपये का तो आदमी डिनर कराता है, बट ये लोग वो नहीं चाहते, क्योंकि उसमें क्या है कि ये लोग कुछ एक लीगल केस में फाइट कर रहे हैं यहीं के एक रेजिडेंट के साथ। उसने सिर्फ क्या किया, एक डॉक्यूमेंट मांगे, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट देने की बजाय उस पर उल्टा केस कर दिया, जिस पर मेरे हिसाब से ना करते 1-1.5 लाख रुपये लोग खर्च चुके हैं, और वो भी अनअकाउंटेबल है। अगर आप इनसे मांगोगे, देर इज़ नो ऑडिट रिपोर्ट, एक साल में एक CA से एक ऑडिट रिपोर्ट करानी है, जो कि CA सर्टिफाई हो गवर्नमेंट से, जिसका एक CA नंबर हो, CA का नंबर हो, नहीं भाई साहब रहता हो या ना रहता हो वो नहीं है, पर एक CA बाहर का होना चाहिए, जो यहाँ की बताए कि 250 घरों से पैसे आए, उस पैसे को कहाँ पे यूज़ किया गया। मैं कहता हूँ सिक्योरिटी में दिया, ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी ने अपना घर नहीं भरा होगा, पर वो पैसा अगर लीगल केस में यूज़ होता क्यों हुआ? मेरा पैसा 250 रुपये, मेरा पैसा आप लीगल में क्यों यूज़ करो? मैं केस लड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक NGO टाइप सोसाइटी है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनमें किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। रोज अपार्टमेंट सेक्टर 18B में आए हैं, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, रोज अपार्टमेंट में क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। जो पार्क है, DDA का पार्क है, उसकी हालत यह है, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि सामने दिखाना भाई, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, और पार्क जो है ना उजड़ा हुआ पार्क है। यहाँ पे जो पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, कोई भी आता है अपनी गाड़ी थाम के चला जाता है, किसी को यही नहीं पता कि ये गाड़ी किसकी है, यहाँ पे बंदा रह रहा या बाहर से आके खड़ी हुई, कोई किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में।